वायुसेना दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, आज एयरफोर्स डे है और इसीलिए मैं और श्रीवास्तव जी निकल चुके हैं घर से, क्योंकि झांसी में जितने भी एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन हैं उन सभी लोगों ने आज के दिन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और उसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। तो देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने। हमारे मीठू बाबू भी आ चुके हैं यहाँ पर और देखिए, एक ही ड्रेस में है सभी लोग, अपने बैचेस लगाए हुए हैं, महिलाएं भी हैं और सभी के बच्चे भी हैं। बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है यहाँ पर पहुँचने पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा, आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वो आप देख सकते हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं शालिनी प्रदीप सक्सेना, महासचिव त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष शालिनी मुकेश श्रीवास्तव, ये तीनों लोग अपने अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मीबाई पार्क के सामने से मार्च पास्ट शुरू करके जब किले के द्वार से ये लोग वापस लौटे तो सभी महिलाओं ने पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया। नमस्ते, नमस्ते बेटा। उसके पश्चात हम सभी लोग यहाँ से चलकर एक होटल के सभागार में पहुंचे, क्योंकि अब आगे का प्रोग्राम वहीं पर शुरू होने वाला है, उसको भी देखिए। एसोसिएशन झांसी आज सभी का इस ऐतिहासिक दिन 92वें एयरफोर्स डे के अवसर पर आप सबका स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। ये दिन हम सबके लिए बहुत सुनहरा दिन है, क्योंकि इस वायुसेना से हम सब ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। आज हम जो भी है इसी वायुसेना की वजह से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने वर संरक्षक, संस्थापक, मार्गदर्शक वेटरन श्रीराम यादव सर, मार्गदर्शक श्रीराम यादव सर को बुलाना चाहूंगा। चेफो महर्ष निगम साहब और भारद्वाज सर, एचएफएल भारद्वाज सर, आप सभी से अनुरोध है कि माँ भारती के चित्र पर आकर के दीप प्रज्वलित करो प्लीज। मनीषा श्रीवास्तव इस वायुसेना दिवस के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बधाइयां देती हूं और इस स्वागत गीत के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और इसके पश्चात एयर वेटरन्स एसोसिएशन झांसी के संरक्षक, मार्गदर्शक, वरिष्ठ जनों का बुके देकर सम्मान किया गया। Thank you.
वायुसेना ने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाया और दिखाना शुरू किया। आज हमारी भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी चौथी वायुसेना है एवं उन सभी वायु सैनिकों को मेरा सादर नमन जो सभी देश सेवा में पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत है। मैं पुनः आप सबको परिवार सहित उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं एक्स सार्जेंट जितेंद्र कुमार अहिरवाल और श्रीमती जी हमारी श्रीमती राजकुमारी अहिरवाल, मेरा बेटा हम जयप्रकाश, सार्जेंट जेपी ठाकुर, मेरी वर्षा ठाकुर, मेरे दो बच्चे सुरेश जयशंकर, मेरी माँ समंदर देवी। मैं चूंकि हमारे अफसर कैलाश नारायण मांडिया, 16 साल 8 महीने की उम्र में मैंने भारतीय वायुसेना 1972 में ज्वाइन किया। सार्जेंट एम एस 1973 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था, 1988 में एयरफोर्स से रिटायर्ड होके एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद फिर मैं लोको पायलट में कानपुर अजय अग्रवाल 1988 में रिटायर हुआ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा मेरा इसरो में साइंटिस्ट है। आशुतोष खरे 1973 में ज्वाइन किया था, 1988 में सार्जेंट भरत सिंह गुर्जर 1979 में ज्वाइन करी थी। हमारी वाइफ मिसेस शोभना मिर्जा, अपनी वाइफ शोभना को ज्वाइन करा और 2009 में रिटायर हुआ। अभी यूपी बेसिक एजुकेशन में टीचर। थैंक यू। 1996 में ज्वाइन किया, 2016 में डिस्चार्ज हुए। आरजी सिंह तोमर 1976 में एज एस्टिमेट लीडर में ज्वाइन किया था और 15 साल के बाद 1991 में रिटायर्ड। मैं रघुराज सिंह यादव सार्जेंट के पद से रिटायर हुआ। मैंने 19 साल 3 महीने 6 दिन एयरफोर्स में नौकरी की लास्ट ईयर जून 2023 में एयरफोर्स आवड़ी से रिटायर हुआ और अभी सचिन जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर ब्रांच में पोस्टेड हूँ। और मेरी भाई रंजना गुप्ता सर गाते थे, आप भी इनके लिए ताली बजाते। मेरी वाइफ सुनीता सक्सेना है और अध्यात्मिक स्पिरिचुअल माइंड की लेडी है। ये हिमालय में तपस्या कर चुकी है। हिमालय रूप त्रिपाठी जैसे बताया था, ये मेरी वाइफ है। हार्दिक स्वागत है लड़की के लिए। आपने बहुत अच्छा लग रहा है, एयरफोर्स के लोग देखने को नहीं मिलते। उनकी फैमिलिया का अलग ही स्टाइल होता है, एयरफोर्स का भाव कहीं नहीं मिला। इतना बढ़िया भाव कभी नहीं देखा। आई एम सुरेश कुमार श्रीवास्तव। मैंने एयरफोर्स 1970 में ज्वाइन किया और लगभग 9 साल मैंने सेवा करी ग्वालियर से छोड़। मेरे मैं देवेश खरे 1975 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की, उसके बाद 1990 में रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। 1978 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ और 2017 में रिटायर हुआ। मेरी वाइफ मेरे को कभी भी जिंदगी में कभी भी हर चीज मिला जो चाहा मेरे को सब कुछ मिलता चला गया है और इसमें कहीं मैंने कुछ मैं सब मैंने कुछ नहीं किया लेकिन सब कुछ मेरे को मिला है। मेरी फ्लाइट क्लब कृष्ण भारती सभी अपनी बहनों से प्रणाम करता हूँ और बच्चों से प्यार तथा मेरे साथी गणों को सभी को जय हिंद। पत्नी खड़ी हो जाती। आजा बेटा। मेरा नाम सार्जेंट मुकेश श्रीवास्तव। क्या हुई ना आ रही है। मैंने 2005 में रिटायर हुआ हूँ। 1985 में ज्वाइन किया था
एग्जैक्ट 20 साल नौकरी की, जनवरी 2006 से बैंक में सेवा दे रहा हूँ। पहले कारपोरेशन बैंक में था और अब मर्ज होने के बाद यूनियन बैंक में हूँ। ये हमारी पत्नी है मिसेज मनीषा श्रीवास्तव। हसीब ने जितना कुछ कहा था वो सारा कुछ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। दिवस रानी लक्ष्मी बाई के प्रांगण में चारों तरफ है खुशियां छाई, जल थल और गगनागन में। मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐ मेरे वतन के44 60 86 ठीक है खत्म कर ले वो रंग बॉल 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 लगा इधर क्या तो में है ना नन्नू कहाँ है मैं आप सभी उपस्थित लोगों का, जितने लोग आए हैं हमारे परिवार के लोग, भारतीय वायुसेना के परिवार के लोग, वरिष्ठ लोग, नारी शक्ति, बच्चे, सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहां पर आए, उपस्थित हुए। आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा और हम कोशिश करेंगे ऐसी फैमिली मीट फिर दोबारा करने की। शुभ रात्रि दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? वायुसेना गान हुआ, हमारे अध्यक्ष महोदय ने वायुसेना के इतिहास पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला, सभी सदस्यों ने अपना अपने परिवार का परिचय दिया जिसका संक्षिप्त रूप आपको यहाँ पर देखने को सुनने को मिला, बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबने बहुत ही एंजॉय किया बच्चों के प्रोग्राम को, और मैंने तंबोला भी खिलवाया, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि सबको बहुत मज़ा आया है। इसके बाद भोजन की व्यवस्था भी थी, हम सभी ने भोजन किया। और अगर आपको भी अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी आपके फौजी भाई हैं उन सबको भेजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।